Hi guys, welcome back to my channel. तो आज इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक सॉल्व करके बताऊंगा सम. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला है इंटीग्रेट एक्स ई टू द पावर एक्स होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स. तो चलो इसे स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्व करना. तो सबसे पहले न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के जैसा बनाने का ट्राई करूंगा. यहाँ पे x प्लस वन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x dx. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये एक पार्ट ले लूँगा और एक ये एक पार्ट ले लूँगा और मल्टीप्लाई तो होगा ये e टू द पावर x से, तो ये दोनों को मैं डिवाइड करूँगा x प्लस वन होल स्क्वायर से. तो ये हो जाएगा x प्लस वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स. तो यहाँ एक तो कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स बाहर लेता हूँ क्योंकि आप जब ई टू पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू पावर एक्स ही आएगा. डी एक्स बाय एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ भी एक्स बाहर ले लो, डी एक्स बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. अब आप एक चीज़ देखो, जब हम लोग x प्लस वन को मैं एक बार एफ एक्स ले लेता हूँ, इसे एफ एक्स अज्यूम करो, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर. अब आप एक चीज़ यहाँ देखो, जब इसे एफ एक्स ले लिया और इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, वन बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, जो कि ये है. सो यहाँ एफ डैश एक्स इसका वैल्यू निकल गया, ये एफ डैश एक्स हो गया और ये एफ एक्स हो गया. तो अब हम लोग डायरेक्ट इसे फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, जो है e टू द पावर एक्स वन बाय एक्स प्लस वन प्लस के. ये आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का और ये है ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन नंबर 26 खत्म होता है यहाँ पे, चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोला है इंटीग्रेट x टू द पावर 4 प्लस 3 बाय एक्स. तो चलिए इसे करते हैं अब डिफरेंट इंटीग्रेट, ये सिंपल है. x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 5 बाय 4 प्लस 1 5 प्लस 3. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x होता है log x, तो यहाँ हो गया log x प्लस k. सो ये नॉर्मल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल सा. सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर निकल गया और ये ऑप्शन बी. चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया है इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 बाय एक्स डी एक्स. तो चलो इसे करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स टू द पावर 3, 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया इधर मैंने. अब इसे हम डिवाइड कर देंगे x से, ठीक है. सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स बाय एक्स 3 हो गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाय एक्स 3 एक्स हो गया डी एक्स. तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के. सो ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर निकल के आ गया और ये है आपका ऑप्शन डी. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर निकल के आ गया और कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम ले लेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे. गाइस अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो यहाँ आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स और आगे दिया है इफ द कर्व पासिस टू द पॉइंट 1,0 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है. तो अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे 2x माइनस 1 को तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस के. 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वैल्यू आ गया इसका. अब आप देखो ये एफ एक्स हो जाएगा
जब आप डिफरेंशिएशन के बाद उसे इंटीग्रेट करोगे तो वापस से वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, मतलब जब आपने एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो वो एफ एक्स हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। सो एफ एक्स निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के। अब आपको यहाँ दिया है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह हम वाई लिख देंगे, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के। अब हमें k का वैल्यू निकालना है और हमें पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, 1, 0, ठीक है। तो अब y और x में ये पॉइंट्स लिख देंगे, सो y में तो 0 हो गया, x में 1 माइनस 1 प्लस k, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग पुट करेंगे, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और k 0 है तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, सो इक्वेशन हमारे यहाँ बनता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आपका ऑप्शन है। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 खत्म होता है, चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है लिमिट्स 4 1 टू एक्स प्लस 5 डी एक्स, तो चलो इसे करता हूँ। सो यहाँ एफ एक्स मैं ले लूँगा 2x प्लस 5, देयरफॉर लिमिट्स 4 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच 0 एच समिशन एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0 ए प्लस आर एच, लिमिट एच इज 0 एच समिशन एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0। अब ए हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 दिया लोअर लिमिट, तो 1 प्लस आर एच, और एन एच का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 4 माइनस 1 दिस इज 3, तो एन एच का वैल्यू 3 है। जो भी मैं यहाँ वैल्यूज निकाल रहा हूँ वो आपको सब में काम आएगा आगे। देयरफॉर अब आप देखो यहाँ एफ एक्स को हमने लिया था 2x प्लस 5, अब एफ 1 प्लस आर एच, एक्स की जगह हम 1 प्लस आर एच लिख देंगे, तो ये जगह 2 1 प्लस आर एच प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर एच प्लस 5, और ये आ जाता है 2 आर एच प्लस 7। सो अब हम इसे पुट कर देंगे उस इक्वेशन में, लिमिट एच 0 एच समिशन ऑफ एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आर एच प्लस 7। अब मैं समिशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों टर्म्स को, सो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, ये हो जाएगा आपका 2 एच समिशन और एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू 0 आर प्लस 7 एन। जब भी आप समिशन से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी वैल्यू जिसमें आर नहीं हो तो एन आ जाता है उसमें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, एच को मैं अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जगह 2 एच स्क्वायर। और अब देखो समिशन ऑफ आर, आर का क्या होता है वैल्यू, इसमें ये एक फॉर्मूला है तो आपको ये याद करना होगा। सो ये हो जाएगा एन एन माइनस 1 बाई 2 प्लस 7 एन एच, एच से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ एन एच हो गया, अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो एच स्क्वायर है, एक एच मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा ये एन एच हो गया, और एक एच ब्रैकेट्स के अंदर, सो एन एच माइनस एच होल्ड, और यहाँ हो गया 7 एन एच, ठीक है। सो ये खत्म होता है पार्ट। अब यहाँ एच का वैल्यू 0 दिया हुआ है हमें, और एन एच का वैल्यू हमने जो निकाला था 3 वो पुट कर देते हैं, सो 3 माइनस 0 प्लस 7 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 21 सॉल्व कर दिया है इस वीडियो में, बस इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में, टिल देन बाय गाइज।